yesterday we discussed about the Boyle's law. Kya thi uski equation? V1 is equal to P2 into V. और इन जनरल अगर आप कहो तो PV is equal to constant at conditions at constant temperature and mass. Very good. गैस का आपने टेम्परेचर और जो मास है वो कांस्टेंट रखना. ओके, कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, अब इसी के कंटेक्स्ट में एक और न्यूमेरिकल्स लिखिए. अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस. अ बैलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस. जल्दी जल्दी लिखो. यस, इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड्स. इट विल बर्स्ट if pressure exceeds 0.2 bar. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at one bar pressure the gas occupies 2.27 liters. If at one bar pressure, the gas occupies 2.27 liter volume. लिख लिया. Up to what volume? The balloon can be expanded. Up to what volume the balloon can be expanded? What is P1 V1? इक्वेशन पढ़ो अपनी, जो आपको स्टेटमेंट दी है उसमें से देखो P1 V1 क्या है. P1 is, P2 is, V1 is, and you have to find V2. उसने कहा है कि अगर एक बार प्रेशर पे उसकी इतनी वॉल्यूम है और वो जो बैलून है अगर आप 0.2 बार से प्रेशर एक्सीड करोगे तो वो फट जाएगा, तो उसमें कितनी वॉल्यूम जाएगी 2.2 तक. हाँ जी, कितना आंसर है? 1.2 क्यों होगा? ये आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस में दिया हुआ है कि अगर एक बार प्रेशर है तो वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो 2.27 ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि अब आप उसमें कितनी वॉल्यूम फिल करोगे. उसने ये कह दिया है कि अगर आप 0.2 से एक्सीड करोगे प्रेशर तो वो फट जाएगा. फट जाएगा तो यानी कि और उसमें जो वॉल्यूम है वो नहीं ऐड होगी, तो ये फाइनल प्रेशर ही हुआ ना आपका P2. सॉरी, 11. वेरी गुड, 11.35 आ गए यूनिट्स. Write down one more numerical. A sample of gas. Answer is 11.35 liter. निकल गया आपका. अब एक next numerical लिखो. A sample of gas occupies 100 decimeter cube. A sample of gas occupies 100 decimeter cube at one bar pressure. 100 decimeter cube at one bar pressure. If the volume of the gas is reduced to 5 decimeter cube. If the volume of the gas is reduced to 5 decimeter cube at the same temperature. At the same temperature, what additional pressure must be applied? Question समझो पहले ध्यान से. एक sample of gas है, वो 100 decimeter cube की जो volume है वो occupy कर रही है, ठीक है, at one bar pressure. कहते हैं हमने जो volume है वो 100 से कितनी कर दी है, 5 कर दिया. तो आपने बताना है कि और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा.
हाँ जी, वेरी गुड, 19 बार निकालो, P1V1 is equal to P2V2 करके, you are given P1V1, P1 is 1, P2 is V2, sorry, V1, 100 decimeter given, V2 is 5, and you have to find P2. Is this clear? यहां पर आपकी जो P2 आएगा वो 20 आएगा, आ गया 20. उन्होंने additional pressure पूछा है, एक तो पहले ही था, 1 तो already था, 1 के बाद और आपने कितना लगाया है, 19 लगाया है उसके ऊपर, ठीक है, तो 19 bar is the answer. Additional pressure पूछा ना उसने, और आपने कितना लगाया उसके ऊपर, समझ आया कि नहीं? Is this clear? आपका जो फाइनल प्रेशर आया है डेट इज 20, उसने आपसे पूछा है कि आपने और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना अप्लाई किया, तो 1 तो ऑलरेडी था, हमने एक्स्ट्रा और कितना अप्लाई किया है, 19 अप्लाई किया. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट राइट डाउन चार्ल्स लॉ, CHARLES. अगेन जैसे आपने बॉयल्स लॉ किया है वैसे ही ये भी है, तो ये सारे गैस लॉज हैं. अब इसकी पहले स्टेटमेंट लिखो फिर आपको समझ आएगा. राइट डाउन इट स्टेटमेंट. इट वॉज गिवन बाय जोसेफ चार्ल्स, ठीक है, एंड गेन ल्यूसेक, तो दोनों को कंबाइंड था, तो कॉम्बिनेशन में हम इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं. राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, increases or decreases, increases or decreases by a factor of 1/273, by a factor of 1/273 of its volume at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, for every one degree rise or fall in temperature, for every 1 degree rise or fall in temperature, provided the pressure is constant. इसमें आपने क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर. यानी कि बॉयल्स लॉ जो था वो पी और वी को रिलेट कर रहा था, ये जो है वो किस किस को रिलेट करेगा, वी एंड टी को, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट. अब जो आपने लिखा है उसका ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देखो जो आपकी डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग है. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर, यही बोला मैंने, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एनी टेम्परेचर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, 1/273, ये 1/273 हो गया, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 degree Celsius. तो ये 0 degree Celsius पे इसकी वॉल्यूम है, ये भी 0 degree Celsius पे इसकी वॉल्यूम है, तो वो कह रहे हैं कि जो 0 degree Celsius पे उसकी वॉल्यूम है उससे 1/273 फैक्टर जो है या वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, जो भी आपने टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करवाया. फॉर्म क्लियर हुई ये वाली, ये कैसे आई है, सो वी नॉट इज द वॉल्यूम एट 0 degree Celsius, वी टी इज द वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर दैट वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, तो वी नॉट से वो कितने फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वी नॉट ओवर 273 इंटू टी. क्लियर हो गया ये, ठीक है. अब इसमें थोड़ी सी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे आएगा. अगर मैं टी को 1 ले रही हूँ, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 degree Celsius, ओके, इट विल बी वी नॉट एज इट इज, ठीक है, जो उसकी वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 0 degree Celsius पे इंटू 1, ठीक है. सिमिलरली वी टू देख लेते हैं, या लेट सपोज 20 देख लेते हैं,
तो ऐसे जब आप सब्सटीट्यूट करते जाओगे वैल्यूज, कुछ ना कुछ आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है. नेचुरली यू विल बी हैविंग सम ऑफ द वॉल्यूम दैट इट इज ऑक्यूपाइंग एट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. वॉट इफ आई सब्सटीट्यूट हेयर -273. अब टेम्परेचर कम करते करते हम माइनस में चले गए हैं. इंक्रीज और डिक्रीज भी तो बोला है उसने, इंक्रीज किया आप डिक्रीज करते हैं. यहां पर आ जाएगा वी नॉट प्लस वी नॉट 273. हेयर इट विल बी -273. ये 273 के साथ ये 273 कैंसिल हो गया. वी नॉट प्लस माइनस माइनस वी नॉट माइनस वी नॉट. इसका क्या मतलब है? What that means? यानी कि उस गैस का वॉल्यूम एट -273 क्या हो गया? जीरो हो गया. यानी कि गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल कि वो गैस एग्जिस्ट ही ना करे? वो कन्वर्जन हो जाती है. ठीक है, हम वही कहेंगे कि उस स्टेट में, अपनी गैशियस स्टेट में, वो जो गैस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके, सो एट -273 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इट बिकम्स जीरो एंड दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर है ये? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वेयर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इट बिकम्स जीरो. दैट मीन्स द गैस इट सीज टू एग्जिस्ट. गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस स्टेट पे. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना. ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो गैस है, हमने तो कुछ ना कुछ गैस ली थी, ठीक है. तो एट दैट सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट दिस टेम्परेचर. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना और हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, अजम्पशंस पे बेस्ड है ये चीज. एक्चुअली गैस जो है इस टेम्परेचर को अटेन करने से पहले ही किस में चेंज हो जाती है? बाकी स्टेट में चेंज हो जाती है, ठीक है. आइदर इट गेट्स चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट. ओके, राइट. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वेयर वी आर सेइंग दैट द गैस इट सीज टू एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर. वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ओके, नाउ इफ वी प्लॉट, अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का प्लॉट करते हैं, तो आपने देखा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं, डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का. तो मैंने आपको ग्राफ बताया था कल, ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर द डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है. यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज में है और यहाँ पर डिक्रीज में है. तो सपोज आई एम राइटिंग हेयर -273, तो आपकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है 273 पे? एग्जैक्टली जीरो हो रही है. Your volume is zero at 273. Okay, that means the gas, it don't exist at that this temperature. The gas, it will be converted into some other state, liquid or solid state before attaining this temperature. Ye temperature attain karne se pehle hi wo kisi aur state mein chali jayegi. Okay, now next write down. Absolute zero temperature kehte hain, yahi se humne jo degree Celsius aur Kelvin scale hai wo introduce kiye hain. Okay. सो एब्सोल्यूट जीरो से ही आपका जो केल्विन स्केल था दैट वाज इंट्रोड्यूस, 0 + 273. ओके, तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करते हैं हम उसको. नेक्स्ट राइट डाउन अल्टरनेट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ. यही जो आपकी फॉर्म गिवन है उसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताऊंगी आपको. The form we were discussing actually. See, at 273, मैंने बोला आपको, can I treat this as zero degree? यही बोला ना मैंने कि जो गैस है उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है at 273, -273. Can we treat this simply 273 as T naught temperature? जीरो degree वाला, ठीक है. 0 degree + 273 यही आपको देगा ना. ऐसे ही आपके पास टी आती है कि नहीं? केल्विन स्केल थोड़ा सा दिमाग में लाओ. डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, ये आपको देते हैं केल्विन स्केल. अगर मैं यहाँ पर जीरो लिख दूं, 0 + 273, तो यू आर लेफ्ट विद सिंपली 273.
ठीक है, तो क्या इसको मैं लिख सकती हूँ, दैट दिस इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब गैस का डिग्री सेल्सियस में क्या है टेम्परेचर, 0 है, लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ। 273 कैसे आया होगा बेटा, जब डिग्री सेल्सियस 0 है, 0 में आपने 273 प्लस किया तो यू गेट 273। व्हाट दिस 0 सिग्निफाइज, द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो मैं उसको टी नॉट लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना, ठीक है। सो दिस इज टी नॉट, एंड व्हाट दिस टी शोज, इस टी का क्या मतलब है, दिस टी मीन्स 273 में आपने कुछ ना कुछ टेम्परेचर ऐड किया होगा, उसके बाद ये टेम्परेचर आपका आया होगा, ठीक है। सो वी नॉट इज इक्वल टू, इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, ठीक है, वो नहीं हम कहेंगे, इंक्रीज भी कर सकते हैं हम, डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट दिस इज एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, कोई ना कोई टेम्परेचर रेंज होगी, जैसे यहाँ पे 273 है, 325 है, 424 है, ऐसे कोई टेम्परेचर रेंज होगी ना आपके पास, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस एज Vt, देखो अब मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मोल्ड करने लिखने लगी हूँ बेटा, V नॉट इनटू T, ठीक है, एज इट इज हम रखेंगे हेयर T, कैन आई राइट दिस एज लाइक दिस, देखो ये एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ मैं कि नहीं, ठीक है, किसको, क्योंकि जो आपका कैपिटल टी है वो हम कोई भी स्पेसिफिक, अच्छा एक लाइन लिखो पहले फिर आपको समझ आ जाएगा, राइट डाउन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहां पर जो मैं आपको कैपिटल टी कह रही हूं ना, आप ये एक्सप्रेशन लिख लो एक बार, आपको फिर क्लियर हो जाएगा, राइट डाउन दिस टेम्परेचर, यहां पर स्मॉल टी जो है, अगर मैं सपोज डिग्री सेल्सियस सिग्निफाई कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे लिखो इसको पहले, उसके बाद लिखो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल, ऑन केल्विन स्केल कितना हो जाएगा, अब बताओ मुझे वैल्यूज इसमें पुट करके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 0 पुट करो प्लस 273, तो वो एक स्पेशल कोई भी आपका टी नॉट टेम्परेचर आ जाएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट लिखो आप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हाँ जी निकालो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही अब यहां पर आपने जो टी था उसको क्या लिया, 100 लिया ना, तो स्पेसिफिकली कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना उसकी, 0 तो नहीं रखा है हमने, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को भी सेम देखो, दोबारा से देखो इसको, सी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे मोल्ड कर दूं, ये देखो 273 है, दिस इज 273, पहले हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स देखो और ज्यादा, आपको वो अगर फॉर्म नहीं क्लियर हुई तो, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, Vt into 273 is equal to V naught बाहर रख दिया मैंने दोनों में से, this is 12, देखो हाँ जी ये ठीक है, ये ठीक है, यहां तक देखो ऑल्टरनेट फॉर्म में करवा रही हो, आपको वो चीज नहीं समझ आई वैसे देखो अभी, यहां तक ठीक है, वी टी था, ये दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले, ठीक है, ये 273 को मैं इधर ले गई, ये 273 प्लस टी आ गया, हो गया, दिस इज वी टी, एग्जैक्टली 273 आपने क्या कहा है, टी नॉट, एग्जैक्टली 273 टी नॉट कहा है कि नहीं, इज इक्वल टू वी नॉट, अभी मैंने बताया 100 प्लस 273 वो क्या बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है, तो ये कुछ टी है उसमें आपने 273 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इट विल फाइनली अटेन सम ऑफ द टेम्परेचर, कोई भी एक टेम्परेचर कह देते हैं, 373 को सपोज कर लो मैंने कैपिटल टी कह दिया, 373 आया उसको मैंने कैपिटल टी कह दिया,
ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, उसको मैंने टी नॉट कह दिया, नॉट मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक आपके? नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मोल्ड दिस इक्वेशन। नाउ वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू टी ओवर टी नॉट, या हम क्या कहेंगे, अगर आपने इसको स्मॉल टी लिखना है तो स्मॉल टी भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपने उसको कैपिटल टी लिखना है तो कैपिटल टी लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। अगर आप उसको वहां पर स्मॉल टी लिख रहे हो तो यहाँ पर भी स्मॉल कर देना, कैपिटल लिख रहे हो तो यहाँ पर भी कैपिटल कर देना, ओके। वी टी बाय टी इज इक्वल टू, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये बनेगा आपका, ये टी नीचे आ गया, वी नॉट ऊपर जाएगा, एंड दिस इज टी नॉट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वी टी यहाँ था, इसका टी इधर ले आई हूँ मैं, ये वी नॉट को ऊपर ले गई हूँ, वी नॉट ओवर टी नॉट, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। यहां से मैं क्या कहूंगी, वी बाय टी इज क्यों कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो गैस की वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस और जो गैस का टेम्परेचर है एट 0 डिग्री सेल्सियस दे आर फिक्स्ड, वो तो चेंज नहीं होंगे ना, हाँ जी होंगे कि नहीं, नहीं होंगे, दैट आर कॉन्स्टेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वो कुछ और टेम्परेचर एक्वायर कर रहा है तो फिर वो चेंज हो जाएंगे, बट 0 डिग्री सेल्सियस पे द गैस वॉल्यूम एंड द गैस टेम्परेचर इज फिक्स्ड। तो यानी कि ये वाली जो फैक्टर है ये किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल ही आएगा हर बारी, तो जितना मर्जी आप चेंज करी जाओ, ओके। तो यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया है, वी वन टी वन इज इक्वल टू वी टू टी टू, दैट इज कॉन्स्टेंट। जैसे आपने पी वन वी वन इंट्रोड्यूस किया वैसे ही आ गया, समझ आया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ आया, एक बार देख लो डेरिवेशन, कोई बात नहीं, ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो भी मेरे से। देखो ये टी का पता चल गया, अगर आपने इस पूरे को बड़ा टी लिखना है बड़ा टी लिख सकते हो, छोटा टी लिखना है छोटा टी लिख लो, दैट सिंबलाइजेस वन थिंग कि दिस इज द टेम्परेचर अदर देन द 0 डिग्री टेम्परेचर। हाँ कोई बात नहीं, वो तो आपको पता ना कि आप ऐड करें, अगर आपने कैपिटल लिखना कैपिटल लिख लो, कोई भी एक टेम्परेचर रेंज कह रहे हैं हम अदर देन द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कोई डाउट? नाउ व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ग्राफ क्लियर है, अब आपको बनाने की जरूरत तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा जैसे मैंने पहले बनाया है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मेरे पास 3-4 टेम्परेचर प्रेशर रेंजेस हैं तो सबसे ऊपर प्रेशर किसका होगा या सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो कौन सी होगी, इफ आई एम टेकिंग P4 प्रेशर ग्रेटर, अगर मैं P4 का प्रेशर जो है वो ज्यादा ले रही हूँ तो इस लाइन पे आपने बताना है कि P1 कहाँ है, P2 कहाँ है और P4 कहाँ है, इन लाइन्स में P1 P2 P3 P4 कहाँ है, देखो और बताओ। ये क्या होगी, P4 होगी, फिर P3 P2 anyone else? Anyone else?
और कोई ठीक है ये कैसे कैसे ठीक है बोलो। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों ज्यादा है तो प्रेशर नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है एक दूसरे के साथ? हाँ जी ठीक है जी, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेटेड है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट राइट डाउन, इट्स प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या इंपॉर्टेंस है बेटा इसकी, या पढ़ के आते हो? हॉट एयर बैलून राइजेस अप, पढ़ा हुआ है? हॉट एयर बैलून राइजेस अप, नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट। जैसे मैंने कल आपको माउंटेनियर्स वाला बताया था कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ठीक है, वैसे ही इस लॉ को देख के बताओ मुझे दैट हाउ हॉट एयर बैलून्स दे राइजेस। थिंक फॉर अ मिनट, क्या एक्सप्लेनेशन है और उसको इस लॉ के साथ रिलेट करके मुझे आंसर दो। कि ग्राफ समझ आ गया ना आपको कि नहीं? ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, ये देख लो यहाँ पे, तभी मैंने ये लाइंस लगाई थी आपके लिए। इसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी कि इसका प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है, इसकी वॉल्यूम कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसका अगर वॉल्यूम और भी कम है तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और P4 का तो सबसे ज्यादा है तो उसकी जो वॉल्यूम है वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो P4 वाले का प्रेशर ज्यादा है बट उसकी वॉल्यूम कम है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ जो हमने कल किया है, समझ आया? ठीक है, हाँ जी बोलिए बेटा। व्हेन हॉट एयर बलून्स आर देयर, हॉट एयर का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज हाई, हाई टेम्परेचर मीन्स वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम, एयर क्या है आपकी लेस डेंसर है, लेस डेंसर एयर इट ऑलवेज मूव्स, सो दैट्स व्हाई हॉट एयर बलून इट राइजेस अप। क्लियर? चलो राइट डाउन वन न्यूमेरिकल नाउ। राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, अ सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, एट 373 केल्विन। अच्छा, आप पेपर में आपको न्यूमेरिकल ये नहीं बताया जाएगा कि सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आपको सिंपली एक स्टेटमेंट दे देनी है, आपने देखना है कि उसमें रिलेशन किस किस का यूज हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम का है, प्रेशर और टेम्परेचर का है, ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने लॉज जो है वो अप्लाई करने हैं उनके। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि चार्ल्स लॉ का लिख लो, बॉयल्स लॉ का लिख लो, बट पेपर में आपको खुद देखना पड़ेगा भाई कौन से लॉ का। ओके चलिए, एट 373 केल्विन कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 260 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 260 सेंटीमीटर क्यूब एज्यूमिंग द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 263 सेंटीमीटर क्यूब एज्यूमिंग द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। चलिए सॉल्व इट। पेपर की डेट शीट आ गई है वैभव वंश, पता है आपको? क्या डिस्कस कर रहे हो, कितने नंबर लेने हैं केमिस्ट्री में कि फेल होना, ये डिस्कस कर रहे हो?
किसको? नहीं कैल्विन में ही लेना है हमने, कैल्विन इज अ स्टैंडर्ड स्केल, किसी को नहीं कन्वर्ट करना होता। पेपर कितने नंबर का? जितने नंबर का पहले था वो तो कन्वर्ट करके था। हाँ जी बेटा कितना आंसर आया? डन। हुआ नहीं अभी तक? यूनिट्स आपको तब कन्वर्ट करने की जरूरत होती है जब दोनों अलग अलग हों। अगर तो दोनों सेम गिवन है तो फिर नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है? जैसे दोनों में आपको सेंटीमीटर क्यूब गिवन है फिर नहीं कन्वर्ट करना। 193.96 केल्विन, ठीक है? नाउ सी दिस इज गेलियस लॉ। पहले आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर का दिया है, अब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है विद द गेलियस लॉ।